देश भर में होली उत्सव की धूम रंगों में सराबर हुआ समूचा भारत। अयोध्या में रामलला की पहली होली देखने पहुंचे श्रद्धालु, पीएम मोदी ने दी बधाई। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में छाया होली का खुमार, रंगों में सराबोर नजर आए लोग। मथुरा के प्रियकांत जू मंदिर में दिखा होली का अद्भुत नजारा, हजारों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने खेली होली, मथुरा में जमकर उड़े रंग गुलाल। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों ने मनाई होली, जमकर उड़े रंग गुलाल, फूलों की भी हुई बौछार। अयोध्या के राम मंदिर में 500 साल के बाद होली होगी होली, भगवान राम को गुजिया हलवा का लगाया जाएगा भोग। अयोध्या के राम मंदिर में पहली बार मनाई गई होली, मंदिर परिसर में संगीत का किया गया आयोजन। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म से खेली गई होली, श्रद्धालु ने भस्म लगाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने खेली होली, स्थानीय लोगों ने भी रंग लगाकर जवानों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी जवानों ने खेली होली, ढोलक के थाप पर जमकर झूमे भारतीय वीर। यूपी के श्रावस्ती में बॉर्डर पर एसएसबी और नेपाल की एपीएफ ने खेली होली, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेली होली, लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली होली, होलिका दहन उत्सव समिति के कार्यक्रम में सीएम ने फूलों की होली खेली। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने खेली फूलों की होली, कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सीएम ने दी बधाई। हाजीपुर में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मिलाई होली, लोगों ने फूल बरसाकर किया चिराग का स्वागत। बरेली में धूमधाम से निकाली गई राम बारात, रंग और फूल बरसाकर किया गया बारात का स्वागत। जौनपुर में गोपी घाट पर फगुआ की बौछार, होली के रंग में झूमे लोग। जयपुर के सांभर लेक में पर्यटकों पर छाया होली का खुमार, रंगों में सराबोर दिखे विदेशी सैलानी। बिहार के जमुई में गूंजे होली के गीत, गली गली में होली के गानों पर झूम रहे लोग। मधुबनी में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन, एक दूसरे को रंग लगाकर लोगों ने दी होली की बधाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वाटर वर्ल्ड में जुटे हजारों लोग, एक दूसरे को रंग लगाकर दी होली की बधाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने जमकर खेली होली, ढोल लगाड़ों की धुन पर नाचे लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में होली पर पारंपरिक नृत्य का किया गया आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को लगाए रंग अबीर गुलाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली की धूम, होली गीत गाकर लोग मना रहे होली। यूपी जौनपुर में लोगों से सराबोर हुए लोग, होली गीतों पर झूमते दिखे सैकड़ों लोग। कुमाऊं में होली के रंगों में सराबर हुए लोग, पारंपरिक तरीके से लोगों ने खेली होली। होली पर 100 साल बाद आज लगेगा चंद्रग्रहण, सुबह 10:24 से होगी शुरुआत, भारत में नहीं होगा असर। आज होली के दिन दोपहर 2:30 शुरू होगी मेट्रो सेवा, डीएमआरसी ने जारी किया शेड्यूल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, 111 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी ने यूपी बिहार समेत 17 राज्यों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लोकसभा चुनाव में अब तक 402 प्रत्याशी उतार चुकी है बीजेपी। बीजेपी ने कई मौजूदा सांसदों के काटे टिकट, यूपी से वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यदेव पचौरी को नहीं मिला मौका। यूपी से बीजेपी ने 9 सांसदों का काटा टिकट, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर को झटका, तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह रामायण की राम लड़ेंगे चुनाव। बरेली से आज बार के सांसद संतोष गंगवार को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को बदायूं से लगा झटका। बिहार में भी 3 सीटिंग सांसदों का बीजेपी ने काटा टिकट, अश्विनी चौबे, छेदी पासवान और अजय निषाद को नहीं मिला मौका। वहीं झारखंड में भी 3 सांसदों के कट गए टिकट, दुमका से सुनील सोरेन, चतरा से सुनील सिंह और धनबाद से पशुपति नाथ सिंह को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। राजस्थान में भी बीजेपी ने 3 मौजूदा सांसदों को नहीं दिया टिकट, हिमाचल के कांगड़ा सांसद किशन कपूर का टिकट कटा। बीजेपी ने कई बड़ी हस्तियों को दिया मौका, मंडी से कंगना रनौत को मिला टिकट। मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा, जी न्यूज से बोले गोविल, राम जी सब अच्छा करेंगे। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी बीजेपी ने दिया टिकट, दुमका से बनाया उम्मीदवार। पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, जतिन प्रसाद बने उम्मीदवार। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर मिला टिकट, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से बनाया गया उम्मीदवार। झारखंड के दुमका से चुनाव लड़ेंगे समित पात्रा, वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट।
एक बार फिर बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे गिरिराज सिंह। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से मिला टिकट। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। संदेश खाली की पीड़िता को दिया लोकसभा का टिकट। बशीरहाट से चुनाव लड़ेंगी रेखा पात्रा। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी की जेपी नड्डा से अपील, चुनाव लड़ने से किया इनकार। गाजियाबाद सांसद वीके सिंह का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, वडोदरा से सांसद रंजन बेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सांसद नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, कुरुक्षेत्र सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में INDIA गठबंधन ने सीटों का बंटवारा, जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव। आज राहुल गांधी से मिल सकते हैं RJD नेता तेजस्वी यादव, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। RJD की महागठबंधन में कांग्रेस को खुश करने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस को 6 सीट देने का ऑफर। तेजस्वी के साथ दिल्ली दौरे पर लालू यादव, राबड़ी देवी आज पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। BSP ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अब तक BSP ने 25 उम्मीदवार उतारे। बांग्लादेश से आए मुस्लिमों पर असम के सीएम हेमंता का बड़ा बयान, कहा भारत में रहना है तो बहुविवाह और बाल विवाह छोड़ना होगा। 31 मार्च को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की होगी महारैली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे गठबंधन के नेता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। आम आदमी पार्टी के कैंडल मार्च में शामिल हुए मंत्री आतिशी, बीजेपी के खिलाफ जमकर बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बोला हमला, विपक्ष को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप, कहा ED CBI से धमकाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बोला हमला, गिरफ्तार को बताया लोकतंत्र का हमला। कांग्रेस ने INDIA गठबंधन को बताया एकजुट, कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सब साथ हैं। JDU छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट की जीत, सेंट्रल पैनल की सभी 4 सीटों पर ABBP की हार। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी, 4 दिनों में यूपी के 15 जिलों में करेंगे रैली, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 मार्च को मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी, उसी दिन मेरठ और गाजियाबाद में भी करेंगे जनसभा। MP के सीएम मोहन यादव ने प्रचार के दौरान गजानन महाराज के किए दर्शन, एक टपरी पर खुद चाय बनाते दिखे मुख्यमंत्री। प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा दावा, कहा MP के सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप की बात बवाल, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती। बच्चे के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हंगामा कर रहे लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने LG को लिखा पत्र, कहा संवैधानिक जिम्मेदारी करें पूरी, दिल्ली की महिलाओं को दे सुरक्षा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, आज शाम 4 बजे पांडव नगर थाने का करेंगे घेराव। अरुणाचल प्रदेश में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से की बात, मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर जताई चिंता। सीएम केजरीवाल के जेल से दिए पहले सरकारी ऑर्डर पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा बिना मुख्यमंत्री कैसे, सीएम दफ्तर से पास हुआ ऑर्डर। IPL के 5वें मैच में देखने को मिला रोमांचक मुकाबला, गुजरात टाइटंस ने 5 बार के चैंपियन मुंबई को 6 रनों से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 169 रनों का लक्ष्य, जवाब में 162 रन ही बना सकी मुंबई इंडियंस। गुजरात टाइटंस के साई दुदर्शन बने प्लेयर ऑफ द मैच, 39 बॉल पर 45 रनों की खेली अहम पारी। IPL 17 में राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ किया आगाज, लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 20 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का दिया था टारगेट, जवाब में 173 रन ही बना सकी लखनऊ की टीम। राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन ने खेली कप्तानी पारी, सैमसन ने नाबाद 82 रन बनाए। आज पंजाब सुपर किंग्स और RCB के बीच खेला जाएगा मैच, और शाम 7:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। फैमिली स्टार की प्रमोशन के लिए हैदराबाद पहुंची मृणाल ठाकुर, देवस्थानम में भगवान का लिया आशीर्वाद। Z News.